कि आज माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बदन सिंह बद्दो पुत्र श्री चरण सिंह के घर की संपत्ति कुर्क की जा रही है। सभी को अवगत, अगर किसी को कुछ और बताना है इस बारे में हमें अवगत करा सकते हैं, धन्यवाद। कभी फिल्मों में देखते थे अमरीश पुरी जैसे अभिनेता को कुख्यात अपराधी बनते हुए, जिसका खौफ चारों तरफ होता था। उसी तरह सालों पहले अपने समाज में भी कुछ इस तरह के अपराधी होते थे जो समाज में डर का माहौल बना के रखते थे, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी जिंदा हैं और अपने समाज में मर्डर गुंडागर्दी करके लाखों करोड़ों का माल बना रहे हैं और समाज को डरने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है, तब से ऐसे गुंडा गैंगस्टर और सामाजिक लोगों की खैर नहीं, एक एक को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है और उसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। यूपी के मेरठ का बड़ा गैंगस्टर 20 महीनों से फरार चल रहा है और 2.5 लाख के इनामी कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के घर की कुर्की शुरू हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन बदन सिंह बद्दो के दो मकानों को आज पुलिस प्रशासन कुर्क कर रहा है। पहली प्रॉपर्टी मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र स्थित पंजाबी पुरा की कोठी और दूसरी बेनीपुर स्थित मकान को कुर्क किया जा रहा है। दोनों प्रॉपर्टियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। मेरठ के पंजाबी पुरा कोठी में पुलिस कुर्की की कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए सभी सामानों को घर से बाहर निकालकर लोडर में लादा जा रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक सामान की लिखा पढ़ी भी की जा रही है, ताकि बदन सिंह बद्दो के मकान में कितना सामान था उसकी लिस्टिंग हो सके और उसके बाद उसे सील किया जाए। 20 महीने से फरार चल रहे कुख्यात गैंगस्टर बद्दो की अचल संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना टीपी नगर क्षेत्र के बेरेपुरा में बदन सिंह बद्दो के घर पर कई थानों की पुलिस ने आज सुबह से ही कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। मेरठ का कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो 10 महीने पहले पेशी पर ले जाने के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। पुलिस ने 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो की फरारी के मामले में कई लोगों को जेल भी भेजा था, मगर बदन सिंह बद्दो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। वहीं शासन की निगाह भी बदन सिंह बद्दो पर टेढ़ी हो गई थी। आज सुबह कई थानों की पुलिस बदन सिंह बद्दो के टीपी नगर क्षेत्र के बेरीपुरा में बनाए गए मकान पर पहुंची और कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने ढोल नगाड़े से कुर्की की कार्रवाई की। मुनादी करके बद्दो का खौफ दूर करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि बदन 29 मार्च 2019 को जिस दिन मेरठ में पीएम मोदी की रैली थी, उस दिन पेशी के दौरान बद्दो मेरठ के होटल मुकुट महल से फरार हो गया था। कभी बद्दो के चंडीगढ़ तो कभी नेपाल तो कभी ऑस्ट्रेलिया होने की चर्चा चली। सबसे खास बात ये दिखी कि बद्दो अपनी सोशल साइट पर एक्टिव रहता है। बता दें कि बदन सिंह बद्दो पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर NSA, गैंगस्टर एक्ट, हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। मेरठ पुलिस का कहना है कि बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी का प्रयास लगातार जारी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है।